जादुई कंबल। रामपुर नाम का एक गांव था जहां रामू नाम का गरीब किसान था। उसके पास एक कंबल था जो कि जादुई कंबल था। जादुई कंबल ओढ़कर रामू गायब हो जाता था और गांव वालों की मदद किया करता था। लेकिन रामू ने उस कंबल का दुरुपयोग कभी नहीं किया था। एक दिन रामू जब कंबल ओढ़ रहा था कि एक चोर ने उसे देख लिया और सोचा, अगर ये कंबल मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। दिन के समय चोर रामू के घर कंबल की चोरी करने आया और कंबल चुरा लिया। रामू का ध्यान नहीं पड़ा कि चोर कंबल लेकर भाग निकला। दूसरे दिन चोर राजा के राजमहल में जाकर राजा के धन कोष से बोरी भर कर धन चोरी करके ले गया। राजा को खबर मिली तो राजा खूब क्रोधित हो गए और घोषणा की कि जो कोई चोर को पकड़ेगा उसे मेरे तरफ से 1000 सोने की मोहरे इनाम के रूप में दी जाएंगी। सभी गाँव वासियों ने उस चोर को पकड़ने के लिए बहुत योजनाएं बनाई, पर वे सब के सब असफल हो गए क्योंकि वो चोर दिखता ही नहीं था। न दिखने से कोई भी उसे पकड़ ही नहीं पाता था। एक दिन एक व्यापारी के घर पर चोरी हुई। व्यापारी राजा के पास गया और चोरी की बात बताई। राजा और क्रोधित हो गए और बोले, अब तो चोर को और भी कड़ी सजा मिलेगी। चोर का चोरी करने का काम चलता रहा और आगे भी बढ़ता गया। चोर ने अब गांव वालों को डराना भी शुरू कर दिया था, मतलब रात को चोरी और दिन में डराने का काम कर रहा था। एक बार की बात है कि एक ऋषि मुनि पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर तप कर रहे थे कि तभी चोर कंबल ओढ़कर वहां पहुंचा। चोर ने ऋषि मुनि को परेशान करने का सोचा और ऋषि मुनि के ऊपर पेड़ की डाल फेंक दी। और जैसे ही ऋषि मुनि का कमंडल फेंकने गया कि ऋषि मुनि ने क्रोध में कमंडल को लिया और चोर के ऊपर डाल दिया। कमंडल में पानी भरा हुआ था। फिर क्या था, कमंडल के पानी से तो चोर दिखाई देने लग गया। तब गांव वालों की नजर चोर पर पड़ी तो गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और सीधा राजा के पास लेकर गए। राजा ने चोर को खूब कड़ी से कड़ी सजा दी और साधु को 1000 सोने की मोहरे इनाम के रूप में दी। लेकिन सच्चे ऋषि मुनि ने गांव वासियों की भलाई के लिए सोने की मोहरे दान दे दी और कहा, इसे गांव के विकास में उपयोग करना। तो बच्चों, इस प्रकार चोर पकड़ा गया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।